और बंधक बने राज्य विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक पिछले 6 घंटे से बंधक बने हुए हैं। परीक्षा नियंत्रक नर्सिंग के छात्रों ने परीक्षा के परिणाम में देरी को लेकर हंगामा किया। प्रबंधन ने 3 महीने पहले कहा था जारी करेंगे परिणाम। छात्र परीक्षा परिणाम में देरी की वजह से साल बर्बाद होने का डर है और इसी वजह से उन्होंने बंधक बनाकर रखा प्रबंधक को। परीक्षा परिणाम में देरी की वजह से साल बर्बाद होने का डर है शिक्षकों को। जो छात्र है बंधक बनाए गए रांची विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक, पिछले 6 घंटे से बंधक बने हुए हैं परीक्षा नियंत्रक। और ज्यादा जानकारी ले हमारे साथ सहयोगी आयुष है फोन लाइन पर। आयुष, परीक्षा नियंत्रक को पिछले 6 घंटे से बंधक बनाकर रखा है छात्रों ने, अभी क्या ताजा जानकारी है ये बताए। जी देखिए राजा, बताना चाहूंगा कि जो नर्सिंग के छात्र हैं वो अपने परिणाम जारी ना होने की वजह से आक्रोशित है और इसी को लेकर तकरीबन आज दोपहर 12 बजे वो परीक्षा नियंत्रक रांची विश्वविद्यालय के झा के यहाँ पहुंचे। और आपको बता दें कि उनके केबिन में सभी छात्र जमा हो गए और लगभग अब तो लगभग 7 घंटे बीत चुके हैं, उनको कमरे से बाहर नहीं जाने दिया गया है। आपको बता दें कि जो NSUI है और जो कांग्रेस का जो छात्र संगठन है, छात्र विंग है, वो भी वहाँ पर जो है मौजूद है और सभी जो छात्रगण है वो ये मांग कर रहे हैं कि उनका जो परिणाम हो जल्द जारी किया जाए, क्योंकि उनकी जो पूरा जो साल है वो व्यर्थ होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो कह सकते हैं कि छात्र संगठन है वो भी इसका समर्थन करती नजर आ रही है। अब तक जो है ये सिलसिला जारी है, वो बंधक बने हुए हैं राजा। और प्रबंधक की तरफ से क्या कुछ कहना है, आखिर देरी क्यों हुई परिणाम में? जी देखिए राजा, जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार परीक्षा में कई त्रुटियां पाई गई थी, माफ कीजिएगा, जो परीक्षा जांचने के क्रम में कई त्रुटियां पाई गई थी और जो छात्रों को जो मिलना चाहिए था अंक वो नहीं मिल पाया था, जिसके बाद प्रबंधन ने ये कहा था कि 3 महीनों के बाद वो जो है फिर से जो है परिणाम जारी करेंगे और वो परिणाम अब तक जारी नहीं हो पाया, क्योंकि अब जो कह सकते हैं दशहरा दिवाली छठ को लेकर छुट्टियां शुरू होने वाली है कल से, तो ऐसे में छात्रों में कुछ ज्यादा ही आक्रोश दिख रहा है क्योंकि उनका पूरा साल कह सकते हैं इसके साथ खत्म हो रहा है राजदा। चलिए नजर बनाए रखे, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आयुष जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।